कुटाई की है, तो फिर हमने उसे जो है जाने दिया। जराइम पेशा अफराद के हाथों कुछ शरीफ लोगों के साथ ऐसे वाकयात भी पेश आते हैं जिनके बारे में सोचकर वो ना सिर्फ शर्मिंदगी का शिकार होते हैं बल्कि उसे बेइज्जती समझकर वो इस दुनिया को ही छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। बज़ाहिर अपने हाथों अपनी जान लेना कोई अच्छा अमल नहीं, मगर ऐसा भी होता है कि जराइम पेशा अफराद अपना जुर्म छुपाने के लिए ऐसे अफराद को कत्ल कर देते हैं और बाद में उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जाती है। थाना कल्लर सैयदा के इलाके बिम्मा गंगाल के रिहायशी 28 साल आलमगीर ने खुदकुशी कर ली, मगर उसके वर्सा का कुछ और ही कहना है। उनके कहने के मुताबिक उसके साथ ऐसा हुआ जिससे दिल बर्दाश्ता होकर उसने ये कदम उठाया। वर्सा ने 4 मुलजिमान को नामजद किया और पुलिस ने उनमें से एक मुलजिम गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन एक मुलजिम मुल्क से बाहर जा चुका है और 2 मुलजिमान ने अबूरी जमानत करवा ली है। इस वाकये की असल नौयत क्या है हम आपको बताते हैं। आलमगीर जो के बेरोजगार नौजवान था, कभी कभार काम मिल जाने पर कोई काम कर लेता था। 31 मार्च को आलमगीर ने अपने वालिद को बताया कि वो किसी बात पर गांव में बेइज्जत होने वाला है, फिर उसने खुदकुशी का फैसला कर लिया। आलमगीर सुबह घर से निकला और इलाके से दूर एक गहरे नाले का रुख किया और वहां जाकर उसने छलांग लगा दी। आलमगीर ये बिम्मा गंगाल गाँव का रहने वाला था, मिस्त्रियों के साथ मजदूरी वगैरह करता था, इससे पहले दुबई भी रहा है, वहाँ से आ गया था। तो 31 मार्च की रात को उसके ये वापस आ रहा था गांव से, तो रात 11 बजे के करीब उसके गांव के 4 जो नॉमिनेट किए गए उसके वालिद की तरफ से एप्लीकेशन में कि वो उसको गन पॉइंट में घर के अंदर ले गए, उसको बदफेली का निशाना बनाया और जिससे वो रात को वापस आ गया। रात देर हो चुकी थी, हम रिपोर्ट नहीं कर सके थाना में, तो सुबह 6 बजे वो घर से निकला। उसने कहा जी कि मेरे ज़िंदा रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता, मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। और जाके उसने गांव से कोई 1.5 किलोमीटर दूर एक बिमा कस में छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। आलमगीर के इस खुदकुशी के वाकये का वजीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने नोटिस लिया और पुलिस के आला अफसरान को वाकये की खोज लगाने को कहा। खुदकुशी के वाकये के बाद आलमगीर के भाई ने पुलिस को इत्तला दी कि उसके भाई ने नाले में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है, मगर जब बाकायदा तौर पर वर्सा की तरफ से दरखास्त दी गई तो उसमें 4 मुलजमान को नामजद किया गया, जिस पर थाना कलर सईदा की पुलिस ने कत्ल बिल सबब और बदफेली की दफात शामिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतवफी के भाई नबील ने इत्तला दी कि सुबह घर से 6 बजे भाई निकला और जाके उसने खुदकुशी कर ली है, और उसके बाद फिर जो तहरीरी दरख्वास्त हमें उसके वालिद की तरफ से मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने ये मौका अख्तियार किया कि इस तरह गांव के जो 4 बंदे उन्होंने नॉमिनेट किए, उन्होंने उसके साथ ये बदफैली की है जिससे दिल बर्दाश्त होकर मेरे बेटे ने खुदकुशी की है। दरख्वास्त के ऊपर जो इब्तदाई रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक कत्ल बेसबब के मुलजमान का फेल उसकी खुदकुशी का कत्ल का सबब बना है, वो है 322 और बदफेली 377, ये चीज़ चाहिए होगी 367A एक जगह से अगवा करके दूसरी जगह ले जाना। कत्ल पर उकसाने की बात हो या खुदकुशी, एक जान तो चली गई, मगर क्या वजह थी कि आलमगीर ने जिंदगी का खात्मा कर लिया? मुकदमे में ऐसी दफात क्यों शामिल की गईं? ये भी अहम सवाल है। उदयी मुकदमा जुल्फकार को जो के आलमगीर का बाप है, उसने थाने में दी गई दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया है कि आलमगीर को मुलजमान एहतशाम अरशद, महताब अरशद, उबैद अली खान और आमिर अली असला की नोक पर अपने घर के अंदर ले गए और उसके साथ बदफेली की जो के आलमगीर की मौत का सबब बन गई। जो मुलजमान है उनमें उनके 2 रियल ब्रदर हैं, एहतशाम अरशद
मेहताब अरशद, उबैद अली खान और आमिर अली, दोनों बाकी इनके कज़न हैं, दो भाई होंगे। तो एक मुलजम था इनमें वो ब्रिटिश नेशनल था, वो यूके चला गया इस वकूआ के बाद। एक मुलजम इसमें अरेस्ट हुआ है और दो अभी पूरी जमानत पे हैं। तो जो दफात लगाई गई हैं उसमें तो जो मजमून दरख्वास्त के हिसाब से जो ऑफेंस हुआ है, जो सेक्शन अट्रैक्ट करती थी वही लगाई गई हैं उस मुतवफ़ी के वालद के मुताबिक, कि वो उन्होंने उसको गन पॉइंट पे ले कर चले गए, घर में बदफैली का निशाना बनाया और जिस चीज़ से दिल बर्दाश्त होकर उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि मामले की तमाम तर जावियों से तहकीक जारी है कि आया खुदकुशी का ये वाकया कत्ल बिल सबब है या आलमगीर ने किसी और वजह से खुदकुशी की है, क्योंकि आलमगीर कुछ अरसा कबल बाहर जाने के लिए कर्ज भी ले चुका है। मुख्तलिफ वो एंगल पे वो भी तफ्तीश जारी है कि वो क्यों गया है, किस मकसद के लिए गया और फिर उसको क्यों जदोकोब किया गया है। और उसके अलावा अभी मज़ीद ये तफ्तीश जारी है, अभी ये वाजह नहीं हो सका कि ये दुबई से वापस आया था और ये माली तौर पे भी थोड़ा क्राइसिस का शिकार था, तो वो हर पहलू से हम इसको देख रहे हैं। पुलिस ने इस सारे मामले में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने वाले तीन मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक मुलजिम फरार है। ये फैसला होना अभी बाकी है कि आया आलमगीर रात के वक्त मुलजिमान के घर दाखिल हुआ था या फिर उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले जाया गया था। पुलिस ने कत्ल बिल सबब की दफा के तहत इस केस में तीन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान का कहना है कि आलमगीर रात को उनके घर में दाखिल हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने उसके साथ मारपीट की। वाकया यही हुआ है कि ये वैद अली और आमर जानी ये दोनों हमारे घर आए थे, तो हम लूडो खेल रहे थे। लूडो खेल के तकरीबन 11:30-11:12 का टाइम था, तो हम बाहर निकले हैं तो हमने लाइटर की लाइट लगाई है तो ये अंदर था आलमगीर। अच्छा। तो ये अंदर था तो ये वो पौधों के पीछे हो गया अंदर आ गए, तो फिर हम आगे गए तो आगे आया, हमने सारी बात पूछी है तो कहता है जी मैं वैसे आया था वैसे, फिर हमने उसकी हार कुटाई की है तो फिर हमने उसे जो है जाने दिया। अच्छा। जी, और हमने कोई ऐसा उसके साथ जो है खुदफेली नहीं की है। हमने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, हम क्यों तक है हम खेल के उठे हैं, हम घर जा रहे थे और उसमें डरा हमारे पाँव के आवाज़ सुन के जब भागा हमने उसको पकड़ा, फिर अपने अंदर से घर से हमने उस बड़े भाई को जगाया, फिर हमने उससे पूछा है, वो कहने लगा जी मैं घर से तंग था, मैं इसलिए यहाँ पे छुप के बैठा हुआ था, मुझे घर वालों की टेंशन थी, लड़के आया हुआ मेरा, उसका तो जनित वाजन भी जो है ना सही नहीं था, ज़्यादा नहीं काम करता था। फिर हमने उसको समझाया है, मेरी दादी अम्मा इसकी अम्मी जो हैं उठके थे, उन्होंने पूछा क्या मामला है, हमने उनको बताया, वो कहने लगे कि शरीफ बंदा है चलो जाने दो, नहीं करेगा आइंदा के बाद इस तरह की गलती, हमने भी उसको समझाया तो फिर जाने दिया हमने उसको घर, फिर वहाँ से चला गया। खुदकुशी का ये वाकया जिस पर वजीर दाखला ने भी नोटिस लिया है, पुलिस के लिए टेस्ट केस है कि आया पुलिस मेरिट पर फैसला कर पाएगी या नहीं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, कलर सईदा, रावलपिंडी। आलमगीर ने खुदकुशी की या उसे कत्ल किया गया, इस बात का पता उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक पुलिस गैर जानबदारी से अपनी तफ्तीश मुकम्मल नहीं करती। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। स्ट्रीट क्राइम्स और डकैती और चोरी की वारदातें सिर्फ बड़े शहरों का मसला नहीं है, मुल्क भर में शायद ही कोई इलाका होगा जो जराइम पेशा अनासर से महफूज होगा। खानेवाल में डाकुओं ने 6 बच्चों के बाप को मुजाहिमत पर मौत के घाट उतार दिया और लाखों रुपए लूट कर ले गए। ये वाकया कैसे हुआ, आइए जानते हैं। खानीवाल की तहसील कबीरवाला के रहायशी हकनवाज के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। हकनवाज ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कस्बा कुकरहट्टा में पेट्रोल पंप बनाया हुआ था, जहां से वो रोजाना कैश लेकर बैंक में जमा करवा देता था। 14 मार्च को हकनवाज अपने भाइयों सलीम रजा और हाजी बिलाल के हमरा पेट्रोल पंप से 5.5 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करवाने के लिए गाड़ी में रवाना हुआ। जब वो गांव 3 कसी के करीब पहुंचे, तो 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उन्हें गन पॉइंट पर रोकना चाहा। हकनवाज के भाई सलीम रजा ने गाड़ी भगाना चाही तो डाकुओं ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे हकनवाज और सलीम रजा जद में आकर शदीद जख्मी हो गए, जबकि पिछली सीट पर बैठा हाजी बिलाल महफूज रहा। डाकुओं ने गाड़ी से रकम का थैला उठाया और फरार हो गए। 14/3/16 को दो अशखास जो हैं, जो अल हसनैन पेट्रोल पंप सर्विस कुकरहट्टा के मालिक हैं, ये वहां से अपनी रकम लेकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में 3 कस नामालूम जो मुल्जमान थे, मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने इन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में ये दोनों भाई थे, दोनों जख्मी हो गए। मौके पर दर्जनों अफराद जमा हो गए। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए हकनवास दम तोड़ गया, जबकि उसके भाई को तिबी इमदाद दी जा रही है। पेट्रोल पंप से वापसी के घर, तो रास्ते में हमारे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी डकैतों ने, और मैं शदीद जख्मी हो गया और मेरा भाई मौके पे शहीद हो गया, और कैश हमारा 5,65,000 रुपये कैश लेके फरार हो गया। डाकुओं के हाथों हलाक होने वाले हक नवाज के वर्सा सख्त गम गुस्से में हैं। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि डाकुओं को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बवक्त गश्त पड़ताल जराइम SHO साहब के हमरा था कि 15 की कॉल पे हम 3 कसी मोड़ पर पहुंचे, तो पता चला कि 3 कस मुल्जमान नामालूम मुल्जमान ने जो मोटरसाइकिल होंडा सिटी पे सवार थे, उन्होंने मोहम्मद सलीम और हक निवास जो के अफशम पेट्रोल पंप और कुकरहट्टा एक पंप था उसके मालिक थे, वो कैश लेकर आ रहे थे। 3 कसी मोड़ पर उन्होंने फायरिंग करके मजरूब किया। मोहम्मद सलीम जो है वो मजरूब हुआ, और हक निवाज मजरूब जो था वो ज़्यादा था, उसको निश्तर हॉस्पिटल भिजवाया गया। वहाँ जो है वो हक निवाज जख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ बाक हो गया, जिसका मुकदमा जन्म जो है वो 302 इजाद हुआ। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई, तो वर्षा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। हकनवास को सौगारों की मौजूदगी में अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उसे वापस तीनों भाई इकट्ठे आ रहे थे, जिसमें रास्ते में हमारे को डकैती हुई, भाई बड़े को शहीद कर दिया और छोटे भाई को शदीद जख्मी किया। हम पुर जोर से अपील करते हैं वजीर आले से, जो हमारे उनको इंसाफ मिला जाए। मेरे चाचा मलक हक निवास साहब को नजायज कत्ल किया, एक सिर्फ पैसों की खातिर। हमारी आपसे अपील है कि इनको जल्द अज जल्द सजा दी जाए। इन जालिम डकैतों ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, हमारा वजीर आला से मुतालबा है कि इनको किफ्र किरदार तक पहुँचाया जाए। पुलिस ने रिवायती तफ्तीशी तरीका इख्तियार करने के बजाय साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश की, इसका नतीजा क्या निकला, आइए जानते हैं।
SP इन्वेस्टिगेशन। नईमर हुसैन बाबर ने डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी। पुलिस ने जायब कुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के साथ साथ इलाके की जियो फेंसिंग भी करवाई और मशकूक अफराद के कॉल डाटा निकलवाए। एनी शाहिदीन से मुलजमान के हुलियाजात मालूम करके उनके खाके बनवाए गए और यूं मुलजमान पुलिस के शिकंजे में आ गए। ये खानेवाल पुलिस के लिए एक चैलेंज था जिस पर DSP कबीरवाला, SHO CT कबीरवाला और मंजूर हुसैन SI पर मुश्तमिल एक टीम बनाई गई। इसमें मैं ये बात ऐड करूंगा कि इस वकूए की वजह से लोगों में काफ़ी खौफ और हिरास पाया गया, क्योंकि ये एक रोड की वारदात थी और वहाँ पे उन्होंने फायरिंग की और एक इंसानी जान चली गई। वहाँ पर इसमें मैं ये भी ऐड करूँगा कि वहाँ के लोगों ने भी पुलिस के साथ भरपूर तआवुन किया और उनकी मदद से हमने इनके खाका जात बनवाए। वहाँ पे जियो फेंसिंग के ज़रिए हमने मोबाइल ट्रेस किए और उन मोबाइल की वजह से इन मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मकतूल के वर्सा और मुकामी रहायशियों का कहना है कि इलाके में आए रोज डकैती की वारदातें हो रही हैं। डाकू दिन दहाड़े न सिर्फ शहरियों को लूट रहे हैं बल्कि उनकी जान से भी खेलते हैं। पुलिस वारदातों की रोकथाम के लिए मुअसर इकदाम करे। पुलिस ने चूँकि मुलजमान को गिरफ्तार तो कर लिया हुआ है, लेकिन हम वजीर आला से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि इन पकड़े हुए मुलजमान से इन्वेस्टिगेशन करके जो इनके मुतलका गैंग है उसको गिरफ्तार किया जाए और उन्हें करार बाकी सजा दी जाए ताकि इलाके के लोग अमन से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। वो नहायत शरीफ और ईमानदार इंसान थे, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पूरी गैंग की को पकड़ें और तशवीश करें और ताकि ये मजलूम खानदान का अजाला किया जा सके। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले डाकुओं से तफ्तीश की जा रही है जिसकी रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। कमरी खंडवा मुलजम और दूसरा आबद नामी मुलजम था जिनको शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाया गया है, जिन्होंने इस वारदात को तस्लीम किया है, जिनसे मजीद इंकशाफात भी होंगे। अभी तफ्तीश जारी है। शनाख्त परेड में भिजवाए गए मुलजमान को जल्द जेल से दोबारा मुंतकिल कराया जाएगा और इसमें अहम पेशरफ्त होगी। मकतूल के वर्सा अहले इलाका ने अल्लाह हुकाम से मुतालबा किया है कि डाकुओं को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए, जबकि पुलिस को भी हिदायत की जाए कि वो वारदातों की रोकथाम के लिए डाकुओं के ग्रोहों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। कैमरामैन राव काले महमूद और साथी रिपोर्टर राव सलमान के साथ आमिर शहजाद, समा कबीरवाला। जब तक हमारे मुल्क की पुलिस गैर जानिबदार होकर अपने फराइज को अंजाम नहीं देती, ऐसी वारदातों में कमी आना बहुत मुश्किल होगा और आम आदमी इसी तरह जराइम पेशा अफराद के हाथों लुटता रहेगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।